नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दशहरा यानी कि विजयदशमी पर पान खाने की परंपरा तो सभी निभाते हैं। पान को मान और सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। वैसे भी पान का प्रयोग पूजा पाठ, कथा और देवी देवताओं को समर्पित माना गया है। यही वजह है कि नवरात्र पूजन के दौरान भी माँ को पान सुपारी चढ़ाया जाता है। साथ ही मौसम परिवर्तन के साथ साथ संक्रमण रोगों को फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में पान खाने की परंपरा लोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। वहीं शारदीय नवरात्रि पर 9 दिनों तक लोग व्रत रखते हैं, जिसके कारण उनकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। पान का पत्ता पाचन की क्रिया को सामान्य बनाए रखता है, इसीलिए दशहरे पर पान खाया जाता है। साथ ही शौकीन लोग पान को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीठा पान, सादा पान, तंबाकू पान और रिमझिम के माम आदि तरह के पान खाने के लोग शौकीन होते हैं। पान में मुख्यतः चूना और कत्था विशेष रूप से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है, जो कई बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा मान्यता है कि हनुमान जी को भी पान अत्यंत प्रिय है। पान को विजय का भी प्रतीक माना गया है। पान का बीड़ा शब्द का एक अर्थ ये भी है कि इस दिन हम सही रास्ते पर चलने का बीड़ा उठाते हैं। दशहरे पर रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे पर पान खाकर लोग असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। डबरा से ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप पान खाने आए हैं, क्या स्थिति है? आप भैया जी, मेरा नाम है मनोज गुप्ता, मनोज चिला के नाम से मुझे जाना जाता है। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी। लोग, आप पान खाने आए हैं यहाँ, क्या कारण है पान खाते हैं आप? पान मैं रोज खाता हूँ खाना खाने के बाद। पान पाचक क्रिया में बहुत लाभदायक होता है। जैसे अपन पक्का खाना खा के आए किसी शादी पार्टी में, तो खा लेते हैं अपन पान, और पान से स्वागत सत्कार बहुत अच्छा होता है। जैसे कोई गेस्ट आया घर पर, रिश्तेदार आया, बोले चलो भैया जी पान खिला के लाए, तो पान का बड़ा महत्व है अपने, और दशहरे के दिन इसका विशेष महत्व है। तो आप और आम जनता, मतलब आप युवाओं को या किसी भी अन्य लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पुड़िया भी तम्बाकू खा बंद कर दें और पान खाना? हाँ, एक कहना चाहेंगे अपन युवाओं से कि पुड़िया बीड़ी वगैरह तम्बाकू से अच्छा तो आप पान खाइए। इसमें जो कत्था और चूना होता है, कत्था चूना खून साफ करते हैं, ये बहुत शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। आप तम्बाकू और पुड़िया ना खा के अगर पान सेवन करें, कम मात्रा में खाएं, एक पान के दो पान कर लें, पुड़िया से अच्छा है, गुटखा से बहुत काफ़ी अच्छा है पान। अपने बड़े बूढ़े जिंदगी से पान खाते चले आ रहे हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पुड़िया गुटखाओं से बहुत प्रॉब्लम आई। और एक दशहरे के रूप में लोग पान खाते हैं, इसका क्या महत्व है, कुछ आप बताएं। मैं डॉक्टर कमल कटारिया। पान के महत्व के बारे में तो ये जानकारी है कि ये इसमें औषधीय गुण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पाचक क्रिया बहुत सहयोग करता है, और जो प्राचीन काल से एक उसकी प्रथा चली आ रही है, मुखवास के रूप में इसका प्रयोग होता रहा। लेकिन क्या है, लोगों ने इसमें कुछ नंबर के तम्बाकू डालकर या और चीज़ें जो अपन को अपने साधारण जीवन में नहीं लेना चाहिए उसमें उसको रखकर जो खाने की प्रथा चालू हुई है उसको मैं इस प्रथाओं का रख मानता हूँ। बाकी पान को अगर मीठा पान कोई खाता है और पूरे दिन में एक आध बारी खाता है तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, अगर व्यसन के रूप में उसका उपयोग करता है तो वो बहुत गलत है। लोग पूजा पाठ में भी इसका उपयोग करते हैं, ये क्या महत्व है इसका? उसका औषधीय गुण भी है और आयुर्वेदिक महत्व भी है, तो इसलिए प्राचीन काल से ये प्रथा हमारे हिंदू उसमें चली आ रही है कि इसको कई यज्ञों में देखा गया है। हमारे जो नई प्रतिष्ठान उद्घाटन होते हैं या उनके हवन होते हैं उसमें इसके पूजा में हमने इसका महत्व देखा है। लेकिन इसका जो असली महत्व है वो हमें कोई अपने जो पांडित्य कर्म करते हैं वो लोग बता सकते हैं। बाकी अगर जो इसको व्यसन करते हैं या उसका गलत उपयोग करते हैं वो गलत है। बाकी अगर इसको मुखवास के रूप में और मीठे पान के रूप में दिया जाए तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आज जो है दशहरा है, लोग पान क्यों खाते हैं और क्या परंपरा है इसकी? पान की विशेष महत्व ये है कि इस तरह असत्य पर सत्य की जीत मानी जाती है। श्री रामचंद्र जी ने जब असत्य को हराया था तो उस खुशी में पान का बड़ा महत्व माना जाता है। ये कब तक इसको पान को जो देवी देवताओं का कब चढ़ाया जाता है, क्या चीज़ देवी देवताओं को जो हर दिन चढ़ाया जाता है?
अलग अलग भाव हैं, पर जो सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है सोमवार मंगलवार और जो नौ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।